नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता, आप देख रहे हैं लाइव भारत न्यूज खबर वाराणसी से। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रवक्ता राघव ऋषि ने ऋषि आश्रम के YouTube चैनल के माध्यम से भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि मानव जीवन में माया का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सर्वाधिक होता है। सिर्फ एक सदगुरु ही है जो उसे समस्त माया से मुक्ति दिला सकता है। गुरु द्वारा दिया गया मंत्र कोरोना जैसे संक्रमण से लड़ने और उससे बचने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त साधन है। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही सुंदर अवसर है। इस अवसर पर अपने अपने गुरुदेव के माध्यम से जीवन को सुखी बनाने का सर्वांगीण कल्याण का मार्ग जो विगत एक वर्षों से मैं बताते आ रहा हूं कि 23 जनवरी 2020 से जो शनि मकर पर आएगा वह जिनका शनिजन्य दूषण होगा उन सब के लिए घातक होगा। से मकर पर आया उसके 1.5 महीने पहले संधि हुई, नवंबर का अंत समय से आज हम ऋषि निवास पे आए हुए हैं। यहाँ पे कौन से गुरु जी से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं? आज गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है और आज के दिन सभी भक्त अपने गुरुओं के चरणों में शीश नवाते हैं। दुर्भाग्यवश कोरोना का ऐसा संक्रमण का काल चल रहा है जिसमें भक्त अपने गुरुओं से दैहिक रूप से दूर है परंतु मानसिक रूप से और हर तरह से गुरु उनके साथ हैं। आज हम लोग लंका पे ऋषि निवास पर हैं। हमारे साथ हैं परम पूज्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता पंडित राघव ऋषि जी। हम उन्हीं से जानेंगे आगे कि इस कोरोना काल में हम लोग कैसे अपने मन को और तन को तंदुरुस्त रखें और संकट काल से कैसे उभरें। हाँ गुरु जी, आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पर क्या भक्तों के लिए संदेश है? सर्वप्रथम मैं जनसामान्य को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा जो व्यास पूर्णिमा भी कहलाती है, उसके लिए सभी को मैं मंगल कामनाएं देता हूँ। यह मनुष्य शरीर जो पंचभौतिक शरीर है ये तो माता पिता से मिलता है, लेकिन साधना शरीर इष्ट देवता इष्ट देवी के द्वारा मिलता है जो सद्गुरु और श्री गुरुदेव देते हैं। वर्तमान में गुरु परंपरा की बहुत बड़ी आवश्यकता हम लोग महसूस कर रहे हैं। ये तो प्राचीन पद्धति है, अनेक महापुरुष जितने भी हुए हैं सभी किसी न किसी महापुरुष के चरणों का आशीर्वाद लेकर के उन्होंने अपने जीवन को सजाया और प्रभु प्रकाश हम लोग तक पहुंचा। तो जीवन के अंधेरों को मिटाने वाले रुकारश चांदकारो भी रुकारश तेज उच्चते तस्मय श्री गुरु नमः, जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाते वो गुरुदेव होते हैं। जीवन तभी शुरू होता है जब जीवन में गुरु होता है। वर्तमान में कोरोना की जो स्थिति चल रही है पूरे विश्व में, मैं अपनी कथाओं में चाहे श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत की कथाएं जो पूरे भारत में और विश्व में की कई हिस्सों में होती हैं, मैं बताते आ रहा हूं पिछले लगभग एक वर्षों से कि 23 जनवरी 2020 से
शनि जो मकर पर आएगा, एक वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, वो सभी के लिए घातक होगा और जिनमें शनिजन्य दूषण होगा उनके लिए नुकसान करेगा। 23 जनवरी 2020 के बाद हम देख रहे हैं, जब वो संधि हुई नवंबर से, तब से धीरे धीरे ये कोरोना की एक बहुत बड़ी समस्या इस दोष के कारण आई, जिससे जन सामान्य ही नहीं पूरा विश्व प्रभावित हुआ। अमेरिका, इटली, ऐसी ऐसी जहां की अर्थव्यवस्थाएं अच्छी थी वहां की अर्थव्यवस्थाएं हिल गई। चाइना, रशिया, हमने हमारे देश की स्थिति को आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हमारे भारत सरकार ने बड़ी ही तन्मयता से, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और जितने भी मंत्रिमंडल के सारे लोग, प्रशासनिक अधिकारी, सेना के जवान, जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पुलिस कर्मी हैं, इन लोगों ने इतनी मेहनत की इसमें और मेहनत कर रहे हैं। और मैंने बताया था अब से करीब करीब 4 महीने पहले ही कि ये अभी बढ़ता रहेगा, आप बराबर देख रहे हैं। तो ये कमोबेश स्थिति करीब सितंबर तक लगी रहेगी, सितंबर से स्थिति काफी हद तक सुधरेगी। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, एकमात्र प्रभु के नाम का सहारा। आपके गुरुदेव ने जो मंत्र दिया पूरी तन्मयता से करें, उससे जीवन में बल मिलेगा, कोरोना मिट जाएगा, ऐसी बात मत करिएगा। आप अपने को सुरक्षित करें। जब आप हवाई यात्रा में होते हैं सबसे पहले कहा जाता है ऑक्सीजन मास्क अपने आप लगाइए, बाद में दूसरे की सहायता करिए। आप आराधना के एक बहुत बड़े सुरक्षित अवधि के भीतर आकर के, सुरक्षित व्यवस्था के भीतर आकर के और जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये उदाहरण है, ऋषि सेवा समिति जो भारत के 16 राज्यों में स्थित है, अनेक हजारों लोग जुड़े हैं, एक भी साधक की कोरोना के कारण मृत्यु नहीं हुई है, ये जान के आपको आश्चर्य होगा, एक भी साधक। एकाध परिवार दूषित हुए, वो भगवती महालक्ष्मी की कृपा से वो ठीक हो गए। मैं पुनः इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी को बहुत मंगल कामनाएं देना चाहता हूं। आपको जो गुरुदेव ने मंत्र दिया, कोई समस्या है आपका ऋषि आश्रम है उसके माध्यम से सभी की सेवा हो रही है, मैं सभी को मंगल कामनाएं दे रहा हूं। बोलिए नारायण भगवान की जय। सवाल बीच में आ कि निराशा के भाव या इस तरह के संकट काल में क्या करें, आपने बता दिया कि अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र ही सबसे बड़ा आश्रय है। कुछ अखबार वाले वहां पहुंचे थे गुरु जी? हाँ, अच्छा।